तो डियर स्टूडेंट लुक एट दिस ब्लैक बोर्ड। क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस अर्थात कक्षा 10 में विषय सामाजिक विज्ञान। देख लीजिए हेडिंग है इसका संविधान शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। तो ये पढ़ेंगे आप उन लोग जो लिखा है ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो इसमें मैं पहले दिन पढ़ा लिया था संविधान में राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, जिसमें पढ़ाया था शक्ति का विकेंद्रीकरण, फिर शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन में क्या बतलाया था उसके तीन प्रकार बतलाया था मैं, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, फिर संघीय विधायिका। संघीय विधायिका में संसद बताया था। अब देखिए उसके आगे लोकसभा और राज्यसभा। भारत में दो सदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई है, ये सदन है लोकसभा राज्यसभा। तो कई बार बोर्ड कक्षा में पूछा गया है संसद के दोनों सदनों का नाम लिखिए, तो आप लोगों को आना चाहिए लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य पूरे देश के लोगों द्वारा सीधे चुनकर आते हैं और राज्यसभा के सदस्य मुख्य रूप से विभिन्न प्रांतों की विधायिका द्वारा चुने जाते हैं। दो सदनों की क्या जरूरत है प्रश्न पूछा है। केवल लोकसभा होती तो क्या होता, जैसे हमने ऊपर पढ़ा भारत एक संघीय देश है अर्थात संघों का देश। यह देश संघीय देश है जिसमें सत्ता केंद्र और प्रांत दोनों के बीच बटा, सत्ता है प्रांत है ये दो भागों में बटा है। संसद देश के कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है, अतः उसमें प्रांतीय विधायकों की सहभागिता आवश्यक है। इसलिए राज्यसभा की व्यवस्था है जिसे प्रांतों की विधायिकाएं सदस्य चुनते हैं। किसी भी देश में विधायिका के दो सदन होने के कई लाभ हैं। पहला है संसद में विशेषज्ञों की उपस्थिति, आमतौर पर विषय विशेषज्ञों व विभिन्न विधायकों के पारंगतों जैसे कलाकार वैज्ञानिक लेखक कानूनी विशेषज्ञ आदि को लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचना संभव नहीं होता। ऐसे लोगों को विधायिकाओं के सदस्य चुनकर राज्यसभा में भेज सकते हैं। इस तरह संसद को अनेक अनुभव और विचारों का फायदा मिल सकता है। दूसरा, दो बार कानूनों पर विचार विमर्श, जैसे कि आपने कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में याद किया होगा। हमारा हर कानून दोनों सदनों में विचार विमर्श के बाद पारित होता है। अतः हर कानून पर दो बार चर्चा होती है, अतः जल्दबाजी में या त्रुटिपूर्ण कानून बनाने से बचा जा सकता है। इसलिए दोनों सदनों की आवश्यकता होती है लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न लिख लीजिए, क्या दो सदन होने से कोई नुकसान या समस्याएं भी हो सकती है, अपने विचार रखें। दूसरा प्रश्न, भारत के अधिकांश प्रांतों में एक ही सदन है, क्या प्रांतों में दो सदन जरूरी नहीं है, यदि हाँ तो क्यों। तीसरा प्रश्न, राज्यसभा के काम पर समाचार पत्रों में जो खबरें छपती है उन्हें इकट्ठा कर चर्चा करें। आगे हम संसद के गठन की मुख्य बातों का तालिका के माध्यम से अध्ययन करेंगे। यहाँ पुस्तक में दिया है, देख लो। संघीय शासन भारत
राज्यों का एक संघ है और संविधान द्वारा विधेय शक्ति को दो स्तरों संघ और राज्य में बांट दिया गया है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यहाँ सारी सत्ता न केंद्र के पास है न ही राज्य पूरी तरह स्वतंत्र है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता स्वयं मतदान करके प्रतिनिधि चुनती है जैसे लोकसभा के सदस्य आदि। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हमारे द्वारा चुने हुए संसदों और विधायकों द्वारा किया जाता है। अब तालिका देखिए 3.1 संसद का गठन, राज्यसभा है, लोकसभा है, सदस्य संख्या पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, ये प्रश्न उस तालिका के माध्यम से बुक में देखिए, पेज नंबर 172। तो सदस्य संख्या है राज्यसभा की अधिकतम 250, प्रांत प्लस संघ शासित प्रदेशों की विधायिका द्वारा निर्वाचित 238 सदस्य संख्या, और राष्ट्र द्वारा मनोनीत कितना 12, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में देखो प्यारे अधिकतम 552 और सीधे चुनाव से 550, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितना 2 होता है। उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष राज्यसभा में, और लोकसभा में कम से कम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। वही क्या बनेगा, लोकसभा सदस्य बनेगा। अधिवेशन संख्या साल में कुल 17 में, तो राज्यसभा का कितना है देख लीजिए, 3 सत्र या अधिवेशन, शीतकालीन, मानसून और बजट। बजट अधिवेशन 2 भागों में होता है। लोकसभा का देखिए 3 सत्र या अधिवेशन, शीतकालीन, मानसून और बजट। सभापति का देखो, राज्य सभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। लोकसभा में सदस्यों द्वारा चयनित अध्यक्ष स्पीकर। गढ़ मूर्ति, सदन में वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम उपस्थिति। राज्यसभा में कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा और लोकसभा में कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा। तो ये है संसद का गठन, इस प्रकार से होता है राज्यसभा और लोकसभा। अब देखेंगे राष्ट्रपति, क्या पति, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही दोनों सदनों के अधिवेशनों को बुलाता है तथा लोकसभा को विशिष्ट परिस्थितियों में भंग कर सकता है, लेकिन सामान्यतः राष्ट्रपति के ये निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लेता है। प्रश्न लिख लो, पीछे दी गई तालिका के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दें। किस सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए व्यापक प्रचार प्रसार और हर मोहल्ले में मतदान होता है। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। दोनों सदनों के बीच यह अंतर क्यों रखा गया है। तीसरा प्रश्न लिखिए, इसमें किस सदन में सदस्यों की संख्या अधिक है, यह अंतर किस कारण रखा गया होगा। अब देखेंगे संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे।
आप सब जानते हो कि इस इकाई का संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार, इस इकाई का कितना इम्पोर्टेंट रोल है सामाजिक विज्ञान में, राजनीति खंड का राजनीति में कितना महत्व है। तो संसद के कार्य एवं शक्ति देख लो, विधायी कार्य देखेंगे। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है, लेकिन वास्तव में कानून बनाने में अहम भूमिका मंत्रिपरिषद और नौकरशाहों कार्यपालिका की होती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को मात्र स्वीकृति देने का काम करती है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक, प्रस्तावित कानून बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता। संसद में अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर सरकार के समर्थन के बिना ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद सदस्यों की उस समितियों में उस पर गहन विश्लेषण और विचार होता है। विधेयकों पर विचार विमर्श मुख्यतः संसद या समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। इसके बाद विधेयक दोनों सदनों में वाद विवाद के बाद पारित होकर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर मंत्रिपरिषद के पास संसद में बहुमत है तो वह कानून पारित होना प्रायः निश्चित होता है। प्रश्न लिख लो, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है? और अगला प्रश्न, इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक? एक ही प्रश्न है, जोड़ कर लिखना। दूसरा है, देख लो, संसद के कार्य एवं शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। सरकार यानी मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है और प्रायः सभी मंत्री संसद सदस्य भी होते हैं। संसद सदस्य किसी भी मंत्री से उसके मंत्रालय से संबंधित सवाल कर सकते हैं और मंत्रियों का दायित्व है कि वे उसका उचित उत्तर दें। गलत उत्तर देने पर मंत्री को अपने पद से हटना पड़ सकता है। सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए, सदन में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसे संसद या विशेष सदाधिकार कहते हैं। संसद में प्रश्न और टिप्पणी नीति निर्माण कानून या नीति को लागू करते समय तथा लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। अगर सरकार के जवाब से सदन संतुष्ट न हो तो सदन सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को हटा सकती है। वित्तीय कार्य आप देखेंगे, तीसरा क्या है, वित्तीय कार्य। प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने खर्च के लिए संसाधन जुटाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कर लगाने तथा धन के उपयोग पर नियंत्रण रखती है। हर साल मंत्रिमंडल की ओर से वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है,
जिसमें साल भर सरकार को खर्च करना चाहती है उसका ब्यौरा होता है और किस खर्च के लिए लगाए जा रहे करों का भी प्रस्ताव होता है। लोकसभा इसे केवल उस साल के लिए स्वीकृत करती है और उसकी स्वीकृति के बाद ही सरकार लोगों से कर वसूल सकती है या राज्य या धन का व्यय कर सकती है। संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने या रोकने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का विवरण भी संसद को देना पड़ता है। चौथा कार्य देखिए, बहस का मंच। बहस जानते हैं, किसी मुद्दे को लेकर के वाद विवाद होना क्या कहलाता है? बहस। संसद देश के वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। संसद यह चर्चा गोपनीय नहीं होती है और टीवी और पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचती है, जिससे पूरे देश के लोग इन बातों को जान सकते हैं। संविधान संशोधन संबंधी कार्य, पांचवा कार्य क्या है? संविधान संशोधन संबंधी कार्य, जो कि संसद के कार्य और शक्ति में पांचवें नंबर पर रखा गया है। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संशोधन अर्थात बदलाव। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है। प्रत्येक संवैधानिक संशोधन का सदन के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। अब देख लीजिए निर्वाचन संबंधी कार्य, संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। सातवां है न्यायिक कार्य। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। प्रश्न लिखेंगे विद्यार्थी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए इनमें से कौन सा कार्य आपको सबसे महत्वपूर्ण लगा? यदि संसद बजट ना पारित करे तो क्या होगा? अगला, लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कौन है? नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? शिक्षक की सहायता से क्षेत्रवार सूची बनाइए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? लिखिए। और प्रयोजना कार्य के लिए भी यहाँ पर प्रश्न दिया है। संसद के सत्र के दौरान समाचार पत्रों को इकट्ठा करें और उसके कार्य से संबंधित खबरों को छांटें। ये संसद के उपयुक्त कार्यों में से कौन कौन से कार्यों से संबंधित है कक्षा में चर्चा करें। नेक्स्ट डे को पढ़ाऊंगा 13.1.2 संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद। ओम शांति विद्यार्थियों, क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस, हेडिंग है संविधान शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। तो नेक्स्ट अगले दिन अगले सप्ताह में पढ़ाया था, इसमें से कुछ भाग
आप लोग सुने होंगे, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना अर्थात संसद के कार्य एवं शक्तियां, ये पढ़ाया था। आज पढ़ेंगे 13.1.2 संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद। तो ध्यान से सुनिए, सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है कार्यपालिका कहलाता है। सत्ता का भी केंद्रीयकरण देख लिए थे, या शक्ति का भी केंद्रीयकरण देखे हो, उसमें तीन भाग बतलाया गया है। क्या क्या बतलाया गया है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जैसे कि हमने देखा, कार्यपालिका की नीति निर्माण और कानून बनाने में भी अहम भूमिका है। कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे। संघ या कार्यपालिका विषय वस्तु है, देख लो, पहला न्यूनतम आयु राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। दूसरा है निर्वाचन एवं नियुक्ति की पद्धति। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण या मत पद्धति संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष प्रणाली संसद करती है चुनाव, और प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री बना देता है। शैक्षिक योग्यता देख लीजिए, निर्धारित नहीं है तीनों में, चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा। चौथा अन्य योग्यता, लोकसभा सदस्य होने की योग्यता हो तभी राष्ट्रपति बने, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता योग्यता, और प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का समर्थन। शपथ पांचवा बिंदु, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल है राष्ट्रपति का पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है, उपराष्ट्रपति का भी पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, और प्रधानमंत्री लोकसभा की समाप्ति या लोकसभा का विश्वास होने का। छठवां है पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जा सकता है, पद से मुक्त किया जा सकता है। तो महाभियोग, जिसे संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से जिससे लोकसभा सहमत हो, और प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत न होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये था तालिका 13.2 संघीय कार्यपालिका। नोट, शिक्षा तालिका द्वारा संबंधित विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं पर उनके साथ चर्चा करें। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जल, थल व वायु सेना का प्रधान, प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक अध्यक्ष होता है। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां उसी के द्वारा की जाती है। हमने ऊपर देखा कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों को बुलाता है,
अंतरराष्ट्रीय संधियां, समझौते, युद्ध और आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका आशय यह है कि सर्वोपरि होते हुए भी राष्ट्रपति से अपेक्षा है कि वह लोगों द्वारा सीधे न चुने जाने के कारण और संसद के प्रति जवाबदेह न होने के कारण अपने अधिकांश अधिकारों का अपने विवेक से प्रयोग नहीं करेगा और वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। इस प्रकार सरकार का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य देखिए। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सहस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा करना, दूसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन, आपातकालीन शक्ति है ये, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना, ये आता है आपातकालीन शक्तियां के अंतर्गत। कार्यपालिका संबंधी शक्ति है राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण पदों में नियुक्ति, जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, सीएजी, तो क्या करता है राष्ट्रपति, नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों का भी नियुक्ति करता है। सैन्य शक्तियां देखिए राष्ट्रपति का, तीनों सेनाओं का मुखिया होता है, युद्ध और शांति की घोषणा करता है। वित्तीय शक्तियां हैं, वित्त विधेयक या अनुदान को पूर्व स्वीकृति, भारत के आकस्मिक निधि पर नियंत्रण, वित्त आयोग की नियुक्ति और न्यायिक शक्तियां, क्षमादान की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति है, विधायी शक्तियां, दोनों सदनों के अधिवेशनों की बैठक बुलाता है तथा बैठक की समाप्ति की घोषणा करता है। कौन? राष्ट्रपति। दूसरा, सांसद की योग्यता का निर्धारण चुनाव आयोग के परामर्श से। तीसरा, अध्यादेश जारी करने व कानून को स्वीकृति देने की शक्ति भी किसको है? राष्ट्रपति को है। तो अभी आप लोगों ने सुने राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, आपातकालीन शक्तियां, सैन्य शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, इतने शक्ति है राष्ट्रपति के पास। देख लीजिए, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो सरकार को कानूनी सलाह देता है। दूसरा, सीएजी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली पर नजर रखता है तथा कार्यपालिका के वित्तीय आदान प्रदान की उचित तथा अनुचित को तय करता है। अध्यादेश, जब संसद का सत्र न चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति से जारी करता है। संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर अगर यह अधिनियम नहीं बनता है तो यह समाप्त हो जाता है। परंतु कुछ महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति अपने विवेक से तय करता है। उदाहरण के लिए, लोकसभा की बहुमत की अस्पष्टता की स्थिति में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति स्वविवेक से नियुक्त कर सकता है। किसी विधेयक को जिसे संसद में पारित कर दिया हो तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है। हालांकि यदि संसद उसे फिर से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उससे अपनी स्वीकृति देना आवश्यक है। इसी तरह प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की सिफारिशों को भी राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकता है।
अगर मंत्रिमंडल उसे फिर से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसे अपनी स्वीकृति देना आवश्यक है। प्रश्न लिखेंगे विद्यार्थी, भारत में राष्ट्रपति की योग्यताएं लिखिए और राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों को समझाइए। ये दो प्रश्न यहाँ भी दिया है, औपचारिक रूप से सर्वोच्च होने पर भी राष्ट्रपति को व्यवहार में बहुत कम शक्तियां क्यों दी गई होंगी, समझाइए। तो ठीक है, यही अपने वाणी को विराम देता हूँ, नेक्स्ट डे को पढ़ाऊंगा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद।